यात्रा होने के बाद चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को विदा कर रहे हैं और हम देखेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु सबको गुणगान करते हैं। और बाद में आज देखेंगे सारों भट्टाचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेते हैं, ये दो लीलाएं हम देखेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद चंद्र जय गौर भक्त वृंद। क्या अभय प्रभु ये पहले वाले ठीक था? ठीक है, ये प्रभु ये ठीक है। ओके, तो यस प्रभु कैन यू हाईलाइट। मेरे पास सीधा प्रभु मेरे को क्वेश्चंस बनाएंगे प्लीज। आप स्पॉटलाइट में मेरे को अभयानंद को कोस्ट बना दीजिएगा प्लीज। आइए सीट में। श्री राधे। नेक्स्ट 39 अबे महाप्रभु सब भक्त तबे महाप्रभु सब भक्ते बोलाइला। Everybody please repeat after me, हाँ तो मेरे पीछे बोलिए। गौड़ देशे जाह सबे विदाय करिला। गौड़ देशे जाह सबे विदाय करिला। अबे आनंद प्रभु read the translation। Thereafter, Sri Chaitanya Mahaprabhu called for all the devotees and asked them to return to Bengal. In this way, he bade farewell to them. तो हिंदी में अनुवाद है कि चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को बुलाया और उनको वापस बंगाल जाने के लिए विदा किया। इस तरह से उनको उनको विदा किया। पर इसको बुलाना है? हाँ, कौन करके बुलाया? तो इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो सब भक्तों को विदा कर दिए। तो अभी आज जो हम प्रसंग पढ़ने वाले हैं उसमें कैसे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कैसे विदा करते समय भी कैसे व्यवहार करते हैं उसकी चर्चा की गई। ठीक है, नेक्स्ट वर्स प्रभु। पंकज नेत्र प्रभु आप पढ़ेंगे बंगाली। अबारे कहिला प्रभु प्रत्यब्द असिया। गुंदीचा देखी आये रे हमारे मिलिया। गुंदीचा देखी आये रे हमारे मिलिया। नंदन प्रभु पढ़े ट्रांसलेशन इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ी देखिए। ठीक है पंकज नेत्र प्रभु आप पढ़ लो। Well, to all the devotees, Sri Chaitanya Mahaprabhu requested them to return to Jagannath Puri every year to see him and then see the cleansing of the Gundicha temple. तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि चैतन्य महाप्रभु भक्तों को भेज रहे हैं वापस और फिर वापस बोलेंगे अगले साल फिर लौट कर आने। मतलब ये दिखाता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु और सारे भक्तों के बीच में एक गहरा बॉन्ड है। इससे बताते हैं कि भक्ति में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, भगवान भक्त और भक्ति। भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध है वही भक्ति का सार है। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर भगवान होकर भी भक्त के रूप में है और इसीलिए वो भक्त के रूप में होने के कारण वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे भक्तों का आपस में होना चाहिए। नेक्स्ट वर्स प्रभु जी। पंकज नेत्र प्रभु बंगाली। अग्नि दिला करिया सम्माना।
अचंडाल आदि कृष्ण भक्ति दियो दाना अचंडाल आदि कृष्ण भक्ति दियो दाना रिस्पेक्ट हरे कृष्ण मैं पढ़ रहा हूँ ट्रांसलेशन विद ग्रेट रिस्पेक्ट चैतन्य महाप्रभु रिक्वेस्टेड अद्वैत आचार्य गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस डिवोशन टू कृष्णा इवन टू द लोएस्ट ऑफ मेन चंडाला परपोर्ट दिस इज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुस ऑर्डर टू ऑल हिज डिवोटीज कृष्णा भक्ति डिवोशन टू कृष्णा इज ओपन टू एवरी वन इवन द लो क्लास मेन लाइक चंडालास One should follow this order in the disciplic succession stemming from Sri Advaita and Nityananda Prabhu and distribute Krishna consciousness without discrimination throughout the world. Prabhuji, the spotlight kari main bolunga. Iska Hindi mein anuvad hai ki Chaitanya Mahaprabhu ne bade aadar ke saath Advaita Acharya ko nivedan kiya. Achandale Adi Krishna Bhakti Diya Dan. Give devotional service even to the lowest of men, जो सबसे अधम हैं, जो पापी हैं, उनको भी कृष्ण प्रेम दो। चैतन्य महाप्रभु का अवतार इसीलिए है कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय पापी से पापी व्यक्ति को भी कृष्ण महाप्रभु खाली अद्वैत आचार्य को नहीं है वो अद्वैत आचार्य के द्वारा सब हम सबको उपदेश कर रहे हैं जो भी इस कौन परंपरा में है जो भी चैतन्य महाप्रभु जुड़े हैं करें आप जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार करो सबको सबको कृष्ण भक्ति दो बिना डिस्क्रिमिनेशन के और यहाँ पर कि हमें परंपरा में चलना है अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु जो बता रहे हैं वाग्या का पालन करके हमें भी बिना किसी भेदभाव के सबको कृष्ण भक्ति बांटना चाहिए Yes, Abhay Prabhu, next paragraph purport ka. There are different kinds of men, beginning with the Brahmana and going down to the lowest platform known as Chandala. Whatever one's position, everyone in this age of Kali needs to enlighten in the process. It is a great need today. Everyone is actually feeling the pang of material existence. Even in the ranks and files of the American Senate, the pinpricks of material existence are felt, so much so that April 30, 1974 was actually set aside as prayer day. Thus, everyone is feeling the resultant pinpricks of Kali Yuga brought about by human societies indulging in illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. Yes, Prabhu, ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा इसके बारे में हिंदी में प्रभु आगे बता रहे हैं कि सब तरह के लोग हैं कोई ब्राह्मण है क्षत्रिय है कोई वैश्य है कोई शूद्र है और कुछ ऐसे हैं जो शूद्र से भी नीचे हैं जो शूद्र से भी नीचे उनको चंडाल बोला गया चंडाल शपच जो कुत्ते का मांस खाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं तो कृष्ण भक्ति जो है वो सबके लिए है बिना किसी भेद के चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु है या तारा ही दे महाप्रभु जो कृपा सबको बांटना चाहते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन पात्र पात्र न देखी महाप्रभु ये नहीं देखते कौन क्वालिफाइड है कौन अनक्वालिफाइड है और प्रभुपा जी बोल रहे हैं आज कलियुग में इतनी तकलीफें आ रही है कि सरकार भी अमेरिकन सेनेट प्रभुपाद परपट लिख रहे थे अमेरिका में उस समय जो अमेरिका की सरकार थी 1974 में उन्होंने घोषित किया कि एक दिन अप्रैल 30 1974 को प्रेयर डे रखेंगे प्रार्थना दिन तो जिस दिन सब लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार भगवान को प्रार्थना करेंगे तो प्रभु बता रहे हैं तकलीफें क्यों आ रही हैं क्योंकि लोग मांस भक्षण कर रहे हैं परस्त्री संग कर रहे हैं जुआ खेल रहे हैं तो उसका रिएक्शन आ रहा है जब समाज में बहुत पाप होते हैं जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस सब जगह फैला है तो हमें दुख होता है और हम प्रार्थना भी करते हैं आज भी मुझे समाचार मिला कि हमारे दिल्ली मंदिर में भी कई भक्तों को
जो ब्रह्मचारी उनको पॉजिटिव हो गया, पुनः टेम्पल में भी हो गया बहुत लोगों को, तो हमें दुख भी होता है कि अल्टीमेटली हम जाते हैं कि ये सब शुरू कैसे हो रहा है। ये जो है जैसे कोई देश में जब लोग पाप क्रिया करते हैं तो उसका फल आता है, इवन भक्तों को भुगतना पड़ता है कई बार, क्योंकि वो उस शहर में रह रहे, एक सिटी कर्म होता है। जैसे मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ, मैं तो पाप नहीं कर रहा, लेकिन बॉम्बे के निवासी बहुत पाप कर रहे हैं, तो मुझे भी उसका सत्कर्म का या पाप का फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें पाप कर्मों से बचना है और प्रीचिंग करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट परपर्ट प्रभु जी, नेक्स्ट पैराग्राफ प्रभुपद अगले पैराग्राफ में बोल रहे हैं, नाउ इज द टाइम फॉर द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस डिस्ट्रीब्यूट कृष्ण भक्ति ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दस फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। द लॉर्ड हैज ऑर्डर्ड एवरीवन टू बिकम अ गुरु। आमाराध्या गुरु भैया तार एदेश। एवरीवन इन एवरी टाउन एंड विलेज शुड बी एनलाइटेंड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। Krishna consciousness should be distributed to everyone indiscriminately. In this way, the entire world will be peaceful and happy. And everyone will glorify Chaitanya Mahaprabhu as he desires. Yes, Abhay Prabhu. Oh, aapki awaaz chali gayi thi. Spotlight. Prabhupada ji agle paragraph mein bata rahe hain ki चैतन्य महाप्रभु ने सबको आज्ञा दी है कि जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमारा आज्ञा गुरु भैया तारे देश, मेरी आज्ञा गुरु बन गए। तो हर गांव में हर शहर में चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन का प्रचार होना चाहिए बिना किसी भेद के। इससे समाज सुखी भी होगा, शांत भी होगा, सब महाप्रभु का गुणगान करें। मतलब सुख होने का तरीका क्या है? भगवान का गुणगान, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना। से वैदिक कल्चर में ऐसा होता था, पहले हर घर में सुबह शाम कीर्तन होता था और दिन में लोग व्यवसाय के लिए जाते थे और फिर शाम में और सुबह कीर्तन करते, रामायण महाभारत भागवतम पढ़ते थे। ऐसा जीवन बिताना बहुत अच्छा। नेक्स्ट पैराग्राफ प्रभु। द वर्ड चंडाल रिफर्स टू अ डॉग ईटर who is considered the lowest of men. Even that can attend Krishna Chaitanya Mahaprabhu's teaching. Krishna Bhakti is not a monopoly of certain castes. Everyone is eligible to receive this great benediction given by Chaitanya Mahaprabhu. Everyone should be given a chance to receive it and be happy. Iska Hindi mein anuvad hai ki jo chandal shabd ka matlab hai jo kutte ka maans khate hain, जिनको सबसे अधम माना जाता है, ऐसे व्यक्ति को भी कृष्ण भक्ति का प्राप्त करने का अधिकार है। कृष्ण भक्ति ऐसा नहीं खाली ब्राह्मणों के लिए है या कोई विशेष जाति के लिए, हर व्यक्ति को अधिकार है कि जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना, और हर एक को अवसर दिया जाना चाहिए और बाद में वो सुखी हो सके। तो इसमें अच्छा प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि कभी कभी लोग सोचते हैं ये खाली ब्राह्मणों के लिए है या खाली इस्कॉन डिवोटीज के लिए है। नहीं, कृष्ण भक्ति जो है सबके लिए है, बिना भेद के, क्योंकि सबके हृदय में कृष्ण प्रेम श्रवणादि शुद्ध चित्त करिए। सबके हृदय में कृष्ण प्रेम है और श्रवण करने से वो प्रेम जो है जागृत हो जाए। और लास्ट पैराग्राफ अभय प्रभु। The word dana, meaning charity, is also significant in this verse. Whoever engages in the distribution of Krishna consciousness is a charitable person. Professional men recite Srimad Bhagavat and discuss Krishna Katha for an exchange of money. They cannot distribute such exalted transcendental property to everyone and anyone. Only pure devotees who have no motive other than serving Krishna can give transcendentally valuable benediction out of charity. यहाँ पे बताया गया कि दान करने को बोला गया, भक्ति दियो दान। अलग अलग प्रकार के दान होते हैं, कोई पैसे का दान, दान, भक्ति करो दान।
जिसे हम किसी को हरि नाम देते हैं या भागवत सुनने का अवसर देते हैं, वो शाश्वत दान है और वो दान जो है आपको संतुष्ट करने वाला। कुछ लोग होते हैं भागवत कथा करते हैं और पैसे कमाते हैं, तो वो लोग वो कृष्ण प्रेम नहीं दे पाते। तो शुद्ध भक्त जो है जिनका कोई और उद्देश्य नहीं है, सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, वो व्यक्ति ये सबसे बड़ा आशीर्वाद दूसरों को दे सकते हैं। यस प्रभु, वी कैन गो टू नेक्स्ट वर्स नाउ। एक मिनट रुक के, किसी को कोई प्रश्न है? प्रभु कैन होल्ड फॉर वन मिनट। कोई प्रश्न है किसी को? सबको ये स्टाइल ठीक लग रहा है या पहले वाला स्टाइल ज्यादा ठीक है? कितने भक्तों को ये स्टाइल ठीक लग रहा है? बोल रही हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। हरे की बिना श्लोक का स्पॉटलाइट के करना वो अच्छा है। बोलिए हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। दोनों पार्टी एक दिन श्लोका के साथ, एक दिन बिना श्लोक। यस प्रभु, नेक्स्ट वर्स। नित्यानंदे अज्ञादिल यहा गौड़ देशे, अनार्गल प्रेम भक्ति प्रकाशे, अनार्गल प्रेम भक्ति करिले प्रकाशे। हाँ प्रभु जी, कौन पढ़ेगा? हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ूं? श्री चैतन्य महाप्रभु। हरि बोल। हाँ बोलो बोलो बोलो। आप, मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। श्री चैतन्य महाप्रभु ऑर्डर नित्यानंद प्रभु गो टू बंगाल एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन मैनिफेस्ट डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभु जी ये परपट भी बढ़ो। श्री चैतन्य महाप्रभु दस ऑर्डर नित्यानंद प्रभु टू डिलीवर ऑल द बंगालीज डिवोशनल सर्विस इन द भगवत गीता 9.32 द लॉर्ड सेज, ओ सन ऑफ प्रथा, दोज हु टेक शेल्टर इन मी, दो दे बी ए लोअर बर्थ वुमेन वैश्य मर्चेंट्स एंड शूद्र वर्कर्स कैन अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन। Whoever takes to Krishna consciousness and follows the regulative principle can return home back to Godhead. Yes. So, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दे रहे हैं। जहाँ गौड़ देश जनरल शब्द है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली बंगाल को बोला गया गौड़ देश, कि आप बंगाल में जाओ और प्रचार करो। कैसे प्रचार करो? अनर्गला मतलब विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी भेद के। कोई पात्र हो अपात्र हो, बंगाली हो उड़िया हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, सबको प्रेम भक्ति प्रकाश करो। सबको प्रेम भक्ति प्रचार करो। प्रेम भक्ति कैसे फैलेगा? हरि नाम के द्वारा। कृष्ण प्रेम है नार्मदे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लय पाए प्रेम धन। भक्ति के जो बहुत सारे विधि हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ है और जो निरपराध बिना किसी अपराध के कृष्ण नाम लेता है, तो उसको कृष्ण के चरणों में प्रेम जागृत रहे। तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी कि बंगाली सब बंगालियों को प्रचार करना विशेषकर। और यहाँ प्रभुपाद भेद बता रहे हैं कि गीता का श्लोक है माम पार्थ विपाश्रित्य सिपिसि पापयो ने, कोई स्त्री हो कोई चंडाल हो और वैश्य हो, जो भी कृष्ण भक्ति को ग्रहण करते हैं वापस भगवत धाम जा सकते हैं। यस प्रभु जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। In this Anubhashya Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur writes, there is a class
of so-called devotee called Prakrata Sejia, who think that Nityanand Prabhu is an ordinary human being. They have spread the news that Sri Chaitanya Mahaprabhu Nityanand Prabhu to return to Bengal from Orissa just to marry and beg children. This is a certainly great offense against Nityanand Prabhu. हाँ, ये प्रकृति सहजी है, मतलब सहजी है, मतलब मतलब वो लोग होते हैं जो शास्त्र को नहीं पालन करते और भक्ति के जो प्रोसेस है उसको बहुत चीपली ले लेते हैं। मतलब समझते हैं ऐसे कोई ये अपने घर की प्रॉपर्टी है। जैसे नित्यानंद वंशीय लोग होते हैं, बोलते हैं कि नित्यानंद कृपा उनको मिलेगी जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, जो उनके संतानों के डायनेस्टी में आए। तो वो ये लोग समझ नहीं पाते, वो नित्यानंद उनको साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं। यानी जैसे कोई साधारण व्यक्ति के बेटे बेटे के बेटे होते हैं, उनको अधिकार होते हैं। तो एक्चुअली नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु कुछ लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोला तुम बंगाल में जाओ उड़ीसा से शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के। अभी देखिए नित्यानंद प्रभु तो भगवान के अवतार है, वो थोड़ी इसीलिए आए खाली विवाह करने के लिए। वो बोला भगवान विवाह करने के लिए, लेकिन मेन कारण था प्रचार करना। सच यस अभय प्रभु आगे का पर्पट है। सचेन ऑफेंस इज कॉल्ड पसंदा बुद्धि or an aesthetic remark. Offender consider Nityanand Prabhu to like one of them or an ordinary human being. They don't know of Nityanand Prabhu identity with Vishnu Tattva, thinking Nityanand Prabhu to be an ordinary human being is the business of mental speculators known as a Kunapatna Vedis. These people accept the material body, which is a bag of three material elements, as the themselves. They think that Nityanand Prabhu's body was similarly material, and that was a mean for sense gratification. Whoever thinks. मैं summarize करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा purport है। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि कुछ लोग नित्यानंद प्रभु को साधारण जीव मानते हैं। जैसे मेरा शरीर है हड्डी मांस का बना हुआ है, तो सोचते हैं भगवान का भी नित्यानंद प्रभु का भी शरीर ऐसे है। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु किसके अवतार है? यस बताएगा किसके अवतार है नित्यानंद प्रभु? बलराम जी, बलराम, बलराम। यस तो बलराम जी के अवतार है, लेकिन ये लोग नित्यानंद प्रभु को साधारण मानते हैं और इस तरह वो नरक की गति में जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है वास्तव में धन और स्त्री के प्रति आसक्त होते हैं और उनकी मेंटेलिटी व्यापारी की होती है, पैसे कमाने के लिए सब करते हैं, मनी बिगिंग बिजनेस करते हैं। और वास्तव में जो नित्यानंद प्रभु है वो चैतन्य महाप्रभु की एक्सपांशन है। चैतन्य महाप्रभु न महावदन है और उदार है, उनसे ज्यादा उदार नित्यानंद प्रभु है। तो इसलिए इनको साधारण व्यक्ति मानना या प्रजापति मानना कि इनका कार्य बच्चे पैदा करके संतान वंश को आगे बढ़ाना, ये साधारण क्रिया में समझना ये बड़ा अपराध है। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसा अपराध नहीं करें, नित्यानंद को साधारण नहीं माने। तो और इनके जो वाक्य हैं वो शास्त्र में नहीं है कृष्ण भक्ति के बारे में। यस प्रभु नेक्स्ट वर्स अभय प्रभु, और कौन कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? हमारे नंद प्राण प्रभु जी आप पढ़ोगे नेक्स्ट वर्स? पंकज नेत्र प्रभु बंगाली पढ़िए। रामदास गदाधर आदि कट जने, रामदास गदाधर आदि कह जने, तुम्हारे सहाय लगी दिलु तुम्हारे सने, आप हैं नंद प्राण प्रभु? नरेश्वर प्रभु आप पढ़ लीजिए।
Nityanand Prabhu was given assistance like Ramdas, Gadadhar Das, and several others. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, I give them to you to assist you. हाँ यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोले नित्यानंद को मैं चार पांच निकला रामदास गदाधर वे आपके साथ रहेंगे आपको लीला में सहायता करेंगे और बीच में मैं भी आता रहूंगा. नेक्स्ट वर्स पंकज प्रभु मध्य आमी तुम्हार निकट यही मध्य मध्य आमी तुम्हार अलक्षित नहीं तुम्हारा I shall also go to see you at intervals, keeping myself invisible. I shall watch you dance. Hare Krishna. यहाँ पे भगवान बोल रहूंगा बाकी लोग नहीं देख पाएंगे खाली आपको मालूम पड़ेगा मैं वहां पे आऊंगा. नेक्स्ट वर्स प्रभु युवा से पंडित प्रभु करी अलिंगन युवा से प्रभु करी अलिंगन कांठे धरी कहे तांड दुर्वचन कौन पढ़ना चाहिए मनोज प्रभु या मदन मोहन गौ प्रभु या माता जी. ट्रांसलेशन श्री चैतन्य महाप्रभु देन एम्ब्रेस्ड श्रीवास पंडिता एंड अर्न अबाउट बिगन टू स्पीक टू हिम इन स्वीट वर्ड्स. हाँ, कौन पढ़ रहा था अभी मनमोहन प्रभु मनमोहन मधुसूदन. ओके ओके ठीक है नो प्रॉब्लम. जनरली आई विल टेल द ऑर्डर बट नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अब श्रीवास पंडित को बड़े प्रेम से आलिंगन करके अब उनको मीठे मीठे वचन बोल रहे हैं. अभी इसमें क्या पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं है कि जनरल सबको बोले ठीक है हरि बोल ओके मैं जा रहा हूँ सी यू लेटर. हर एक को मिल रहे हैं हर एक से बात कर रहे हैं. ये कृष्ण भावनामृत जो है ये पर्सनल प्रोसेस है. भगवान एक व्यक्ति है सब डिवोटीज भी व्यक्ति हैं. हर एक डिवोटी का हर एक दूसरे डिवोटी के साथ गहरा संबंध होना चाहिए इससे हमारे मूवमेंट सफल हो सकता है. यस अभी अभी मनोज प्रभु आप रेडी हैं. मनोज तुम्हारा घरे कीर्तन आमी नित्य नाचिबा तुम्हारा घरे कीर्तन आमी नाचिबा तुम्हें देख पावे आर केहन देखिबा तुम्हें देख पावे आर केहन देखिबा. चलो पंकज पढ़ लो. चैतन्य महाप्रभु रिक्वेस्ट ठाकुर परफॉर्म कांग्रेगेशनल चैंटिंग एंड एश्योर्ड यू शैल आल्सो डांस इन योर प्रेजेंस. You will be able to see this dancing, but no others. हाँ, चैतन्य महाप्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि मेरा नित्य तो होगा, आप देख पाओगे. जब 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 आपके घर में कीर्तन होगा, मैं आ जाऊँगा. लेकिन आप देख पाओगे और कोई नहीं देख पाएगा. Yes, next verse. कोई पढ़ना चाहता है? कोई है? Participate कर रहे हैं कोई? Yes, प्रभुजी. Yes, प्रभुजी. तो कौन पढ़ना चाहते हैं? आप अपना नाम बताइए तो फिर नेक्स्ट आपका नाम लिया जाएगा. सविता प्रभु जी. ओके पढ़िए माता जी. यस पंकज
रखा वस्त्र माता को विधा यही सब प्रसाद यही वस्त्र माता वस्त्र अपराध ट्रांसलेशन टेक दिस प्रसादम ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड दिस क्लोथ एंड डिलीवर देम टू माय मदर शची देवी आफ्टर ऑफरिंग हर ओबीसियंसिस प्लीज रिक्वेस्ट हर टू एक्सक्यूज माय ऑफेंसेस हरे कृष्णा प्रणाम भी देना और उनको बोलना मेरे अपराध को माफ कर दो। चैतन्य महाप्रभु ने कोई अपराध नहीं किया था लेकिन वो दिखा रहे हैं कैसे बेटे को माँ के तरफ रिस्पेक्ट बनाए रखना है। और कोई डिवोटी है जो पढ़ना चाहते हैं ट्रांसलेशन? यस प्रभु जी। तांद्र सेवा छाड़ी आमी करी अच्छी संन्यास तांद्र सेवा छाड़ी आमी करी संन्यास धर्म ना है करी निज धर्म नास धर्म नहीं करी निज धर्म नास I have given up the service of my mother and have accepted sannyasa order. Actually, I should not have done this, for by so doing, I have destroyed my religious principles. प्रभु जी आपका नेटवर्क वीक है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। मोबाइल से लॉग इन कर, तब तक आप कंटिन्यू करिए। अभय आनंद प्रभु। यस अभय आनंद। यस प्रभु जी आप yes. आप कोऑर्डिनेट करिए कौन नेक्स्ट पड़ेगा, तो मैं जरा मोबाइल चेक ये री लॉग इन करता हूँ। ठीक है प्रभु। नेक्स्ट ट्रांसलेशन आप ही पढ़िए अभी, और कोई नहीं है तो पंकज प्रभु बंगाली पढ़िए और अभय आनंद प्रभु ट्रांसलेशन पढ़िए। कोई कंटिन्यू करता है तो ठीक, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ सकता। तांद्र प्रेम वासामी तांद्र सेवा धर्म I am subordinate to the love of my mother and it is my duty to serve her in return. Instead of doing so, I have accepted the renounce order. Certainly, this is the act of a madman. टेक्स्ट नंबर 15। वातुला बाला केरा मत नहीं लाय दोष वातुला बाला केरा मत नहीं लाय दोष एई जानी मत मोर न करिया रोष एई जाना मत मोर न करिया रोष The mother is not offended by her son and knowing this my mother is not offended by me. Text number 51. Ki kaya sanyas mora prema nija dhana. Ki kaya sanyas mora prema nija dhana. Ekale sanyas kailuna chana haira mana. Ekale sanyas kailuna chana haira mana. I had no business in accepting the renounced order and sacrificing
sacrificing my love for my mother, which is my real property. Actually, I was in a crazy state of mind when I accepted sannyas. हाँ प्रभु जी मैं थोड़ा बोलूँगा अभी सुनाई पड़ रहा है मेरा आवाज तो ठीक स्पॉटलाइट करिए मेरे को यस अभय प्रभु मेरे को स्पॉटलाइट करेंगे मेरे इसमें तो नहीं आया यहाँ पे इतना महाप्रभु चेतन महाप्रभु यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने अपनी माता की सेवा करनी चाहिए थी मैंने वो नहीं किया मैंने धर्म का त्याग कर दिया एक्चुअली मैं अपने माँ के अधीन हूँ मुझे एक्चुअली उनकी सेवा करनी चाहिए थी और मैंने एक पागलपना का कार्य किया है संन्यास लेने के बाद ये सब है प्रभु और कोई डिवोटीज है जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक ट्रांसलेशन कोई डिवोटीज है जो पढ़ना चाहते हैं I will read, Prabhuji. जिन्होंने नहीं पढ़ा वही पढ़े हाँ ठीक अंचन काली माता जी पढ़ लेंगे ओके नीलाचले आछोन मुनि तान्हारा अज्ञाते नीलाचले अज्ञाने I'm staying here at Jagannath Puri. Nila Chal orders, but at intervals, I go see her order, but. What you doing server? I won't share notice. क्या आवाज आ रही है background में? I think overall लग रहा है कि वही pattern ज़्यादा ठीक है ना? क्या पंगे नेत्र प्रभु? हाँ yes प्रभु। प्रभु जी जिसको सुनने हैं वो वैसे भी सुनेंगे। Yeah. वो actually इतना internet का problem रहता है तो ये problem आ जाती है। क्या problem है प्रभु जी? इंटरनेट अगर किसी का वीक होता है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं फिर से मैं ही बोलता हूँ थोड़ा सारांश में एक्चुअली ये जो मैं इसे मैंने ट्राई कर रहा था जो भी मैंने अभी पढ़ा ये कल हो चुका था पता नहीं कितने लोग जाग रहे थे कल तो ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरी माता कई बार प्रसाद बनाती है और अच्छा अच्छा भोग लगाती है फिर जब मैं भोग खा लेता हूँ तो वो इतने खुश हो जाती है और उनको देखते अरे ये प्लेट खाली है क्या हुआ अरे मैंने खाली मैं एक ऑफरिंग किया था कि नहीं किया था तो सोचने लगते हैं कि शायद बाल गोपाल ने यह सब कुछ खा लिया होगा हो सकता है कि मैंने शायद प्लेट में कुछ डाला ही नहीं होगा तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु सब बता रहे हैं श्रीवास ठाकुर को कि मेरी माता को सब बताना फिर कल मैंने राघव पंडित का बताया था किसी को याद है राघव पंडित के बारे में क्या बताया था कल कोकोनट लाते थे स्पेशल कोकोनट कहाँ बेंगलोर से या हुडी सर्कल से कहाँ से लाते थे 30 किलोमीटर से लाते थे 20 माइल्स जाकर के डेली लेके आते थे हाँ नारियल यस ओके कौन सी जगह का नाम क्या था जहाँ से लाते थे किसी को याद है जगह का नाम वो जगह का नाम बताया नहीं है इसका नाम है मालूम नहीं मैं परीक्षा ले रहा था अभय आनंद प्रभु क्योंकि जो ज्यादा सेवा करते हैं ना उसको मैं ज्यादा थोड़ा परीक्षा लेता हूँ ज्यादा टॉर्चर करता हूँ ये प्रभु जी टॉलरेंट है तो कल आपने कहानी सुनी कि कैसे वो नारियल ऑफरिंग करते हैं और वो एक सर्वेंट होता है जो गलती से दीवार के ऊपर हाथ रखता है फिर उसी हाथ से ऑफरिंग रख देता है तो उठा के फेंक देते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित का गुणगान करने के बाद और किसका गुणगान करते हैं किसी को याद है और किसका गुणगान किया उन्होंने गुणराज खान आपको याद है जो डिवोटीज थे कहाँ के डिवोटीज थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी नंदनंदन कृष्ण
मोर प्राण धन, ये डिस्कस किया था कि नहीं कल? हाँ कल हुआ था। हाँ, ये कुलीनग्राम नाम का एक गांव है और वहां के दो डिवोटी आए हुए थे। क्या नाम था डिवोटी का? एक का नाम था रामानंद वासु और दूसरे का नाम क्या था? सत्यराज खान। रामानंद वासु और सत्यराज खान। यहाँ बाजू में और एक क्लास चल रहा है, वो डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा ना इसमें? नहीं, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। ओके, तो आई थिंक मैं जीत गया, मैं हार गया, पंकज नेत्र प्रभु जीत गए क्योंकि उनका उनका ओपिनियन था कि डायरेक्टली करना चाहिए। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है, सब लोग जागते रहें और ऐसा नहीं हो कि ऑडियो वीडियो ऑफ करके आप सो जाएं। ऐसा करना है तो आप स्विच ऑफ कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो क्या, कई लोगों को लगता है कि प्रभु जी खुशी होगी कि चलो मैंने ऑन तो किया है, फिर इंटरनेट को तो प्योरिफिकेशन हो रहा है। ये भी एक फायदा है, मोबाइल प्रभु और वो लैपटॉप प्रभु शुद्ध बन जाएंगे, है ना? लेकिन वो एनीवे, तो चैतन्य महाप्रभु क्यों बहुत खुश थे कुलीन ग्राम के भक्तों से? उन्होंने बताया आपके आपके गांव से एक बहुत बड़े भक्त हुए थे जिनका नाम क्या था, जिन्होंने एक फेमस किताब लिखी थी, कल मैंने बताया था कि नहीं? वो भक्त का नाम था गुणराज खान, और गुणराज खान ने जो किताब लिखी थी वो किताब का नाम क्या था? नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। क्या नाम है बोलिए? नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। अबे प्रभु ये 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 ठीक है वीडियो या ये थोड़ा पीछे करना है, ज्यादा अच्छा है? ज्यादा पीछे हो गया प्रभु। अच्छा अभी ठीक है? नहीं थोड़ा आगे आ जाइए प्रभु। यस प्रभु, यस प्रभु। सॉरी यहाँ पे ना सब चेंज हो रहा है, अभी लाइट चली गई, इंटरनेट चला गया, सब सारे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जंगल है वृंदावन और जहाँ पे हम हैं वो तो अजय ही है, जगह जहाँ अगस्त्य को मारा गया था। मेरे ख्याल से अगस्त्य तो वाईफाई वगैरह यूज नहीं करता था, मेरे नॉलेज में मॉडर्न अगस्त्य हैं वो लोग यूज करते हैं। तो मैं क्षमा करना जो भी थोड़ी कमी है और इंटरनेट के कारण। अच्छा अभी अभी ठीक है प्रभु जी, सुनाई पड़ रहा है? उन्होंने एक किताब लिखी थी नंद नंदन कृष्ण मोर प्राण धन, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राण धन। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये वाक्य के कारण मैं गुणराज खान के परंपरा में जितने भी भक्त आ रहे हैं उनके हाथों बिक गया हूं, आई एम सोल्ड आउट। और मानव को क्या बोलना, आपके गांव में जो कुत्ते हैं जो बिल्ली हैं वो भी मुझे बहुत प्रिय हैं। इसके बाद रामानंद वासु और सत्यराज खान दोनों चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निवेदन करने लगे। उन्होंने प्रश्न पूछा, कल सब डिस्कस किया था पंकज नेत्र प्रभु। पंकज नेत्र प्रभु आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि वो अगर सब ऑडियंस ध्यान से देख रहे हैं तो फिर अटेंशन, तो फिर बोलने वाले को भी इच्छा होती है। तो किसी को याद है कल सत्यराज खान ने क्या प्रश्न पूछा था चैतन्य महाप्रभु से? नहीं है? हरे कृष्णा, बहुत डिटेल में चर्चा की थी इस पे। मैंने पूछा था हम पतित गृहस्थ हैं, हमारा उद्धार कैसे हो सकता है, याद है किसी को? फिर चैतन्य महाप्रभु ने बताया था, क्या उत्तर दिया चैतन्य महाप्रभु ने? यस भक्तों ने नाम संकीर्तन और वैष्णव की सेवा करना, साथ में कृष्ण की सेवा करना। तो अगला प्रश्न क्या पूछा था सत्यराज ने खान ने? अगला प्रश्न क्या था? वैष्णव की पहचान क्या होगी? हाँ, हाउ डू वी जज हु इज अ वैष्णव? हाँ, क्या जवाब मिला, कैसे वैष्णव कैसे पहचाना जाए? एक बार कृष्ण कहेगा जो हाँ, एक बार जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है वो वैष्णव है। फिर अगले साल यही प्रश्न पूछा था, एक बार कृष्ण बोले वो है वैष्णव। हाँ, उसको आदर देना चाहिए। फिर
आपको याद है वो कौन से तीन भक्त थे जो श्रीखंड के रहने वाले चैतन्य महाप्रभु उनको अलग अलग सेवाएं दिए, तीन वैष्णव याद है कौन कौन थे, नाम क्या था? नरहरि, रघुनंदन, मुकुंद और नरहरि। नरहरि हाँ, तो रघुनंदन के पिता का नाम था नरहरि या नरहरि के पिता का नाम था रघुनंदन? नहीं प्रभु जी, रघुनंदन के पिता का नाम मुकुंद था। हाँ, और मुकुंद के भाई का नाम नरहरि था। नरहरि जो है वो लोचनदास ठाकुर के गुरु हैं। लोचन ठाकुर ने किताब लिखी चैतन्य मंगल। अभी मैं जो शाम के समय जो है 17वां अध्याय से कर रहा हूँ वृंदावन यात्रा, क्योंकि अभी टॉपिक्स खत्म हो गए, इसीलिए अभी 15 और 16 यहाँ हो रहा है और शाम को 17-18 हो रहा है, तो इसके बाद डायरेक्ट हम 20 पे जाएंगे। मेरी इच्छा है कि क्योंकि अभी ये मतलब ये जो महीने के एंड में मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ वृंदावन में, तो तब से पहले पूरा चैतन्य चरितामृत एक बार हो जाए, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम लोग। सब लोग कोशिश करिए कि शाम का भी प्रोग्राम अटेंड करें तो कंटिन्यूटी रहे। तो करेक्ट बोला पंकज नेत्र प्रभु ने कि मुकुंद मुकुंद पिता थे और रघुनंदन बेटे थे। और आपको मालूम है प्रश्न चैतन्य प्रभु पूछते हैं, मुकुंद तुम पिता हो कि रघुनंदन पिता है, तो क्या जवाब देते हैं मनोज प्रभु? सब लोग अटेंटिव रहिए प्लीज। रघुनंदन मेरे पिता है। हाँ, वो मुकुंद वो बोलते हैं कि रघुनंदन मेरे पिता है, मैं उनका बेटा हूँ। क्यों क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि रघुनंदन मेरे को कृष्ण भक्ति में प्रेरणा दी। हाँ, मुकुंद के बारे में क्या बताते हैं? मुकुंद सरकार भी बहुत बड़े भक्त हैं, कैसे मालूम पड़ता है कौन सी घटना हुई थी? वो मोर का पंख देख के बेहोश हो जाते। हाँ, मोर का पंख देखता। माता जी सबको चांस दीजिए, एक्चुअली क्या सब लोग जिसको सब लोग जिनको अलग अलग लोग आंसर करें। वो मुकुंद चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कहानी कि एक बार मुकुंद ने देखा कि कोई एक मोर का पंख लेकर आया था। किसके लिए आया था मोर का पंख अभय प्रभु? चैतन्य महाप्रभु के लिए? नहीं नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु वहां पे थे ही नहीं। राजा के लिए, राजा को। हाँ, राजा 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 को पंखा करने के लिए। मैं बताऊंगा वही व्यक्ति आंसर करे, सबको चांस मिले। तो मुकुंद ने जब पंख को देखा तो बेहोश हो गए, और फिर राजा पूछने लगा क्या हुआ क्या हुआ, और मुकुंद ने बताया कि एक्चुअली मेरे को बीमारी एपिलेप्सी, तो बताया नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु ये दो भाइयों को बोलते हैं कि आप दो भगवान के अलग अलग रूपों की सेवा करो। अभी जिसने नहीं आंसर किया कोई ट्राई करिए, मनोज प्रभु वो दो भाइयों को उपदेश करते हैं, कौन से दो भाई हैं कौन बताएगा? श्रीमन नारायण प्रभु। चलिए क्या थोड़ा मेरे ख्याल से कुछ कोई ध्यान से सुन नहीं रहा कोई। हाँ नहीं पूछे, सुन रहे हैं। हाँ तो आंसर करिए, आंसर जब पता होगा तभी तो करेंगे। आप कल नहीं थे। अच्छा, इसका मतलब आप कल नहीं थे। क्या है ना, ये कंटिन्यूटी मेंटेन रखी कि एक दिन आ रहे दूसरे दिन, तो एक क्लास इस सीक्वेंस में चल रहा है ना। तो डॉक्टर एक दिन दवाई लेते हैं, दूसरे दिन घर जाते हैं, तीसरे दिन हॉस्पिटल में आते हैं, तो फिर वो डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि पेशेंट भाग गया अभी। अभी आनंद प्रभु आपको याद है कल का क्लास? अभी आनंद प्रभु पूरा याद नहीं है। माता जी भक्ति निष्ठा माता जी आपको याद है वो दो भाई कौन थे जिनको भगवान ने बोला आप सेवा करो? वो गुणान रमेश्वर सत्यराज खान। नहीं माता जी, ये तो प्रश्न पूछते हैं, दोनों भाई नहीं है। ये दो भाई थे जिनको एक को बोला कि आप जगन्नाथ की सेवा करो और एक को बोला गंगा की सेवा करो। नरेश्वर प्रभु और भक्तिशा माता जी आधा आंसर किए। संकीर्तन संकीर्तन आंदोलन, आधा समय प्रभु जी जाग रहे थे, आधा समय माता जी जाग रहे थे, तो इसलिए याद नहीं आते।
मेमोरी बहुत खराब है। ये प्रश्न पूछना जरूरी है, नहीं तो क्या मैं बोलता रहूंगा, जब मैं बोलता रहूंगा और आप खाली मतलब कुछ सुन नहीं रहे तो फिर क्या फायदा ना। इसलिए हर रोज अभी थोड़ा भाग प्रश्नोत्तर में दिया जाएगा, क्या 4-5 भी लोगों में चलेगा, लेकिन क्वालिटी लोग होने चाहिए जो सुनने के लिए उत्सुक है ना। ओके, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु किसकी मुरारी गुप्ता से क्या बातचीत करते, मुरारी गुप्ता के बारे में क्या बोलते हैं मनोज प्रभु, और कौन बताएगा? कल कौन थे कांचन माता जी, आपको याद है कल का मुरारी गुप्ता? सॉरी प्रभु जी, कल नहीं थी मैं। नहीं थे, अच्छा। सविता माता जी आपको याद है मुरारी गुप्ता, चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता की क्या परीक्षा लेते हैं? बोलो प्रभु। नहीं प्रभु जी याद नहीं है। लास्ट में माता जी आप लास्ट में पहले सबको चांद, मोहिनी माता जी, सिद्धार्थ प्रभु, विजय केशव प्रभु, कृष्ण भगवान, कृष्ण का नाम लेने के लिए बोल रहे थे। हाँ, भगवान उनको कृष्ण का नाम लेने के लिए बोल रहे थे, कृष्ण भक्ति का। कृष्ण का नाम लेना तो बुरा नहीं है, लेकिन क्या बता रहे थे, किससे क्या क्या कंपेयर क्या कर रहे थे, क्यों वो रो रहे थे भगवान हनुमान से, हनुमान से कंपेयर कर रहे थे हनुमान से? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं, राम राम भगवान राम और सीता, नहीं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे कि आप राम की भक्ति छोड़ दो, हरि बोल प्रभु, राम भगवान राम की भक्ति छोड़ दो और कृष्ण की भक्ति करो। दो गिलास एक बार कहते भगवान उनको बोलते हैं, देखो कृष्ण स्वयं भगवान हैं, सब अवतारों के स्तोत्र हैं, विशुद्ध हैं, और कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण भगवान हैं, उनके अंदर सारे गुण हैं, उनका चरित्र मीठा है, और आप कृष्ण की भक्ति करो, राम को त्याग दो। और मुरारी गुप्ता ने क्या बोला, मुरारी गुप्ता पहले बोले प्रभु, क्या बोले मुरारी गुप्ता पहले बोले कि यस मैं आपका सेवक, आप जो कहेंगे मैं आज्ञा पालन करूंगा, लेकिन फिर वो घर में गए और आज्ञा पालन किया कि नहीं किया? नहीं किया। अभी आनंद प्रभु क्या क्या क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि वो राम से इतने आसक्त थे कि वो उनको छोड़ नहीं पाए। हाँ यस, अभी अच्छा है, अभी सब लोग देखो मैंने 2-3 बार थोड़ा ऐसे ग्रिलिंग किया ना तो सब जवाब दे रहे, जैसे CBI इन्वेस्टिगेशन होता है ना तो फिर ग्रिलिंग करना पड़ता है, सब अलर्ट हो जाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है या मैं टाइम वेस्ट करने की, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निश्चय करेगी कि आपके मृत्यु के समय क्या चेतना होगी, कितना आपका एब्जॉर्प्शन है। कि खाली बैठ के सुनना, दूसरा होता है कि एब्जॉर्ब होना, पूरा से एब्जॉर्ब हो जाना हर एक अक्षर। और मेरे लिए भी अच्छा है, मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसा मत सोचिए कि मैं परफेक्ट, लेकिन वी हैव टू हेल्प ईच अदर। ओके, तो प्रभु अभी मैं सेटिस्फाई हो गया कि अभी सब लोग सुन रहे हैं, अभी मैं और आगे ज्ञान दूंगा, ध्यान दूंगा मतलब ये प्रभु बात दे रहे हैं, जैसे कोई कंपाउंडर होता है, कंपाउंडर जानते हैं आपके मनोज प्रभु, मालूम है कंपाउंडर किसको बोलते हैं, कंपाउंडर क्या करते हैं? मेडिसिन देते हैं, जिसको बोला जाए वही जवाब दीजिए प्रभु जी, नहीं तो आप सब लोग नरेश प्रभु और भक्त सब जवाब दे देंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? प्लीज कंट्रोल योर प्रेम, आपका इतना एक्सटेसी है, थोड़ा कंट्रोल करें, ऐसा ही तो फिर क्या होगा, दूसरों को चांस ही नहीं मिलेगा। यस मनोज प्रभु, मनोज प्रभु कंपाउंडर प्रभु जी मेडिसिन देता है, प्रभु जी दवाई डॉक्टर तैयार रखते हैं, डॉक्टर बताते हैं क्या दवाई लेना है, और कंपाउंडर खाली सर्व करता है, कंपाउंडर ज्यादा बुद्धिमान नहीं होता, उसको मालूम है बस जो दिया है दे देना। ऐसे ही मैंने क्या किया, मैं प्रभुपाद ने दवाई बनाया, क्या लिखा है बुक के ऊपर, श्री चैतन्य चरितामृत, ये दवाई है बस पैक करके देना है, लेकिन पेशेंट कई बार ऐसा होता है कोऑपरेट नहीं करते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, तभी ये अच्छा है कि ये ग्रुप में सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। आपको आंसर चाहे गलत भी हो तो ट्राई करना जरूरी है,
ना, हो सकता है आंसर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस ट्राई करने के फुल मार्क्स है। आप मुंह खोल के जवाब दीजिए, मुझे पता चले कि सब लोग जाग रहे हैं, है ना। एवरीबॉडी शुड ट्राई और मेंटेन कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर बता रहे मुरारी गुप्ता बोलते हैं कि प्रभु मैं आत्महत्या कर सकता हूँ, मैं आपके आपके आज्ञा का पालन नहीं कर सकता क्योंकि मैं राम से बहुत आसक्त हूँ, ऐसा प्रेम होना चाहिए। ऐसे ही और कौन सा उदाहरण है, मैंने बताया था और भी एक भक्त है जो राम के भक्त थे, किसी ने उनको बोला कि राम की भक्ति छोड़ के दूसरी भक्ति करिए, कौन सा उदाहरण है, कल बताया था पंकज प्रभु, कौन भक्त हैं गौर लीला में जो राम के भक्त थे, किसी ने बोला आप राम की भक्ति छोड़ दो, अनुपम, याद है अनुपम कौन है, अनुपम रूप गोस्वामी के भाई, रूप और सनातन गोस्वामी के भाई, रूप और सनातन के, उन्होंने बोला कि तुम राम की भक्ति छोड़ो कृष्ण भक्ति करो, लेकिन वो बोले नहीं हमने भगवान राम के चरणों में अपना माथा बेच दिया है, हम निकाल नहीं सकते। ओके नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु इतने खुश है बोले साक्षात, ये मेरे पीछे बोलिए, साक्षात हनुमान तुम्हें श्री राम किंकर, बोलिए तुम्हें के न छाड़ी ब श्री राम चरण, आप तो मुरारी गुप्ता को बोले आप तो हनुमान हो, हनुमान तो भगवान राम को कभी नहीं त्याग कर सकते। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त को गले लगाया और वासुदेव दत्त को ऐसे ऐसे बोलने लगे जैसे उनके पास हजार मुंह, भगवान क्यों वासुदेव दत्त से इतना प्रेम करते थे, क्यों वासुदेव दत्त का इतना गुणगान करें, क्या गुण था वासुदेव दत्त का, कौन बताएगा, जिसने आंसर नहीं किया कोई बताइए, मुकेश प्रभु या विद्या माता जी, सिद्धार्थ प्रभु, मदन मदन मोहन गौरंग प्रभु, सब जाग रहे हैं, हाँ बोलिए मदन मोहन प्रभु, क्यों वासुदेव दत्त को भगवान क्यों इतना प्रेम करते थे, क्या उनका गुण था वासुदेव दत्त का, वो कुछ प्रार्थना करते थे जाए, वो वाला क्या, वो क्या प्रार्थना कर रहे थे, मुझे रसगुल्ला मिल जाए, ऐसा महाप्रसाद नहीं नहीं क्या प्रार्थना की उन्होंने, 50% राइट है आपने जो बोला करेक्ट है, बाकी क्या प्रार्थना की, कि सब जीव भगवत धाम चले जाए और उनका जो भी रहेगा वो तकलीफ उनको हो जाए, ऐसा कुछ, हाँ यस, मदन मोहन प्रभु का भी सेम भाव है, इसलिए उनको याद रहता है ना, वो भी निगड़ी में रह के ही प्रार्थना करते हैं भगवान सब सब जीव भगवत धाम चला जाए और उनका कर्म मुझे आ जाए, लेकिन वो प्रार्थना आप मत करना बहुत डेंजरस है पहले ही बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी और प्रार्थना एक्चुअली ये पुणा एक डिवोटी है पुणा से, वो वृंदावन में गए और उन्होंने राधा श्याम सुंदर को ऐसी प्रार्थना की दोपहर को 12:30 बजे आरती में कि भगवान जितने भी भक्त हैं सबके प्रॉब्लम मेरे को आ जाए, तो क्या हुआ वो फिर गुरु में गए तो उनको बुखार हो गया 102, 3 बजे 103, 4 बजे 104, 4:30 बजे दर्शन खुलते ही आए, बोले प्रभु मैं विड्रॉ कर रहा हूँ अपनी प्रार्थना, मुझे मालूम नहीं था इतनी जल्दी सुन लेते हैं प्रार्थना हमें प्रार्थना भी करने से अपने लेवल के अनुसार, है ना, हम इतना कर सकते हैं भगवान कि मेरे को जप करना अच्छा हो जाए और जो भी मेरे को तकलीफें आ रही हैं सहन करने का अवसर मिले, है ना, ऑलरेडी कलयुग में तकलीफ आ रही है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, कोरोना वायरस आ रहा है, फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं, अभी आपको मालूम पड़ा होगा दिल्ली में भी 50 भक्तों को हो गया टेम्पल में और यहाँ पे पूना टेम्पल में भी 30-35 ब्रह्मचारियों को हो गया, तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं उनकी उनके दुख दूर करें। और कल हमारे निगड़ी के एक बहुत अच्छे भक्त पुरुष अवतार प्रभु बहुत अच्छे कारपेंटर थे, मंदिर की बहुत सेवा करते सिंसियर भक्त, उनको भी कोरोना वायरस से उन्होंने शरीर छोड़ दिया कल शाम को 5:05 बजे करे, तो सब लोग 2 सेकेंड आँख बंद करके प्रार्थना करें कि भगवान उनको अच्छी अपने चरणों में स्थान दे।
ओके तो वासुदेव दत्त ने यह प्रार्थना की, हे प्रभु सारे जीव जो ब्रह्मांड में है सबके कर्म मुझे दे दो, सब भगवत धाम चले जाए और मैं नरक में भी जाऊं तो भी चलेगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हुए, वासुदेव वासुदेव भगवान को गले लगाए, बोले वासुदेव ये आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि आप किसके अवतार हो, प्रहलाद के अवतार। और अब हम आज का विषय शुरू कर रहे हैं, ये कल का रिवीजन था, अभी ये फिर हमारे पास 45 मिनट बचे हैं, इसमें सार्वभौम भट्टाचार्य प्रसाद लेते हैं, प्रसाद की लीला, इसलिए सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए, जो भी ध्यान से कथा को सुनेगा तो लेक्चर के बाद तुरंत उसको एक महाप्रसाद का प्लेट दिखाई पड़ेगा, जूम ग्रुप के लिंक के ऊपर मैसेजेस में आएगा प्रसाद। हम लोग मैसेज में व्हाट्सएप फाइल भी डाल सकते हैं क्या अभय प्रभु इसमें, नहीं ना। हरे कृष्ण। ओके, चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ रहते थे। गदाधर पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आपके लिए मैं कमरा देता हूँ। कहाँ पर दिया कमरा? जमेश्वर। जमेश्वर मंदिर मालूम है किसी को? जमेश्वर तोटा, आपने तोटा गोपीनाथ मंदिर देखा है किसी ने? यस प्रभु जी। तो तोटा गोपीनाथ मंदिर से आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, पीछे का रास्ता देखे, जो रिक्शा वाले जाते हैं वो रास्ता नहीं, पीछे पैदल रास्ता है, और वहां पर एक शिवजी का मंदिर है जो अंडरग्राउंड है, जो करीब जमीन से नीचे 10-15 फीट नीचे है, देखा आपने? नहीं प्रभु जी। जमेश्वर, जमेश्वर महादेव, जमेश्वर, जमेश्वर जो यमराज के ईश्वर है। तो चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को वहां पे रहने के लिए स्थान दिए। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य आए और बोले, प्रभु अभी तक क्या था, सारे भक्त थे तो सब बोलते थे आज मेरे घर आओ प्रसाद के लिए, मेरे घर में आओ। 120 दिन चले गए, 120 वैष्णव सब चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले अभी पूरा एक महीना मेरे ही घर में आओ। भगवान बोले कल ऐसा नहीं हो सकता, सन्यासी एक ही घर से प्रसाद नहीं खा सकता, कोई रोटेशन रखना चाहिए। तो बोले ठीक है 20 दिन के लिए आ जाओ। महाप्रभु बोले नहीं। सार्वभौम बोले कि सार्वभौम आई विल कम टू योर होम ओनली फॉर वन डे, एक दिन के लिए। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कम से कम 10 दिन के लिए आ जाओ। तो बार्गेनिंग करते करते कितने दिन के लिए तैयार हुए भगवान? 5 दिन के लिए। और सार्वभौम भट्टाचार्य फिर बोले, प्रभु आपके साथ तो 10 सन्यासी हैं, वो भी आएंगे, और सबको अलग अलग निवेदन किया गया, जैसे स्वरूप दामोदर कभी कभी आपके साथ आ जाएंगे, बाकी 8 सन्यासी को मैं बोलूंगा 2-2 दिन आने के लिए। तो 8 × 2 कितना हो गया? 16 दिन हो गए। और चैतन्य महाप्रभु कितने दिन आएंगे? 5 दिन। 16 × 5 कितना हो गया? 21 हो गया। और बाकी दिन दूसरे दूसरे सन्यासी आते रहेंगे, इस तरह हर रोज मेरे को एंगेजमेंट मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु 5 दिन, परमानंद पुरी 5 दिन, स्वरूप दामोदर 4 दिन, कितना हुआ? 5 × 5 × 4 14 और 16 दिन बाकी सन्यासी, 14 और 16 कितना हो गया? 30 दिन। तो पूरा महीना बिजी रहेगा। तो अगर सब सन्यासी एक साथ आ गए मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए सब अलग अलग आए ज्यादा अच्छे। सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर में गए, हरि बोल, अपनी पत्नी को बोले आज अच्छा फीस्ट बनाना है, महाप्रभु घर में आ रहे हैं। उनके पत्नी का नाम क्या था? शाठीर माता, क्योंकि उनके बेटी का नाम था शाठी, तो इसीलिए जैसे पहले जमाने में कहता था कि वो स्त्री का नाम नहीं बोलते, वो चुन्नू की मम्मी आ गए या बंटी के पापा आ गए, ऐसे नाम नहीं बोलते थे माता पिता का। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपनी पत्नी शाठीर माता को बोला अच्छा प्रसाद बनाओ, वो सब्जी ले आए, शाक ले आए, और सार्वभौम भट्टाचार्य खुद सब्जी काटने में मदद कर रहे थे। और अब क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु प्रसाद खाने आए, अब ध्यान से सुनिए, ज्योग्राफी देखिए, चैतन्य महाप्रभु कमरे में खा रहे हैं, राइट साइड से एक कमरा है, एक एंट्रेंस है, बाहर से कोई व्यक्ति आ सकता है, और लेफ्ट साइड में एग्जिट है जहां से किचन को जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं ना, ये ज्योग्राफी समझना जरूरी है क्लास को समझने के लिए, कि बीच में प्रसाद ले रहे हैं, एक तरफ एंट्रेंस है, एक तरफ किचन है,
तो वहां पर सारो मट्टाचार्य जो है लकड़ी लेके खड़े हुए हैं। क्यों लकड़ी लेके क्यों खड़े हैं? यस कोई बताइए एनिकडियन से, जिससे अमोघ ना आ जाए। अमोघ ना आ जाए उनका जमाई। इनके दामाद का नाम था अमोघ, उसने पीएचडी किया था रिसर्च किसमें, फॉल्ट फाइंडिंग में, निंदा करने में, उसको नोबेल प्राइज मिला था। सबको सबकी निंदा करता वो, महाप्रभु की भी। तो उनको डर लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु की निंदा नहीं करे, तो इसीलिए उन्होंने लकड़ी लेके बैठे थे। पहले तो महाप्रभु के एक केले के पत्ते पे करीब 6 पाउंड यानी 2 या 3 किलो चावल रखा गया। श्रीधर प्रभु आप हैं क्या? श्रीधर या श्रीराम, जैसे उड़ीसा के जो भक्त होते हैं, कोई उड़ीसा से है यहाँ पर? उड़ीसा और बंगाल में ऐसा बोलते हैं, प्रसाद बहुत खाते हैं चावल। मेरे को याद है पिछले साल मैं रथ यात्रा में गया था, तो चावल मैंने थोड़ा सा तो लिया, लेकिन साइड में जो भक्त देखा तो एक गोवर्धन पर्वत था और बीच में राधा कुंड श्याम कुंड, यू नो, दाल और सब्जी, है ना, बहुत सुंदर लग रहा था ये दर्शन। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी चावल बहुत खाते थे और उसके बीच में घी, पीले रंग का घी, बहता हुआ घी, फिर बहुत सारे द्रोण जिसमें केले के पत्ते, 10 प्रकार के शाक, उसमें से एक सूप था जिसको शुक्त बोलते थे। शुक्त जो है नीम के पत्तियों से बना जाता है। फिर एक पंजन प्रेपरेशन यानी कड़वा, और एक होता था छाना, छाना बनते छाना जो दूध को फाड़ने से बनते हैं, उसका एक 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 स्वीट बनाया गया। फिर बटर मिल्क यानी छाछ में उड़द की दाल डाल के, फिर दुग्ध तुम्बी यानी जो लौकी की सब्जी दूध में बनाई गई, फिर लाफरा। मनोज प्रभु आपने लाफरा खाया कभी? लाफरा, लाफरा क्या होता है? लाफड़ तो खाया होगा। नहीं प्रभु जी। लाफरा क्या होता है? लाफरा क्या होता है मालूम है आपको? लाफड़ तो खाया होगा, सब्जी रहता है। हाँ यस कौन बताएगा? सब्जी रहता है, सब्जी। हाँ लेकिन क्या होता है सब्जी में? कौन बोल रहे? मदन मोहन प्रभु। हाँ प्रभु जी, मदन मोहन प्रभु तुरंत ज्वाइन हो गए वापस, थैंक यू। तो उसमें क्या क्या होता है सब्जी में मदन मोहन प्रभु? खाए नहीं प्रभु जी, सुना है खाली। अरे फिर क्या फायदा, खाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आपके घर में आऊंगा तो बनाना। देखो मैं मेनू बता रहा हूँ, उसमें ना ऐसे लौकी, कद्दू, शाक, गाजर, ये सब मिक्स किया जाता है और मिक्स करके बॉइल करते हैं। बॉइल करके उसमें तड़का लगाया जाता है, थोड़ा घी और जीरा और नमक, ये ना बहुत सिंपल। अभयानंद प्रभु के तो मुंह में पानी आ गया सुनते ही, ध्यान से श्रवण का एक फल हो जाता है। तो इसको बोलते हैं लाफरा, सन्यासी को बहुत अच्छा लगता है, मिक्स वेजिटेबल, है ना। और एक था मोचा घंटा, मोचा घंटा मालूम है किसका बनता है? मोचा घंटा केले के फूल का। और क्या क्या आइटम थे यहाँ पे बताया कि एग प्लांट, बैंगन की सब्जी, और लाइट बाड़ी पटोल, और सूप था, सूप फ्राइड उड़द दाल का, मूंग दाल का, स्वीट चटनी, और बड़ा मूंग दाल का बड़ा, उड़द दाल का बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, और मालपुआ। और देखा मैं बताया था ना क्लास सुनने में एंड में प्रसाद होता है, अभी समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था, है ना। और एक था खीर के अंदर मैंगो, मदन मोहन गौरंग प्रभु, खीर में मैंगो ऐसा बनाते हैं कभी? खीर के अंदर आम डालते हैं? हाँ डालते ना। यस दूध में डालते, दूध खाली, दूध नहीं। हाँ दूध नहीं, बासुंदी के अंदर आम। नहीं नेक्स्ट टाइम, वो भी अमूल का दूध था, तो बॉईल करके उसमें, प्रभु जी का एजेंसी है इसलिए बोल रहा हूँ, तो वो दूध को अच्छा बॉईल करके उसमें आम डाल के, और चटनी, और ये सुगंधित जल, और ये सब चैतन्य महाप्रभु क्या, चैतन्य महाप्रभु आए इतने खुश हुए, बोले सार्वभौमा सार्वभौमा ये कैसे हो सका, ये 100 आइटम 6 घंटे में बना दिए, ये कैसे हो सकता है? अगर 100 कुक्स भी होते तो भी 100 स्टोव में इतना नहीं बना पाते थे आप, इतने इतना चावल, इतना सुगंध देख के इतना अच्छा लग रहा है, मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि आज मुझे प्रसाद मिलेगा। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले प्रभु
महाप्रभु बोले भगवान का आसन हटा दो, मेरे को दूसरी जगह दे दो। प्रसाद पंडित जी बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान का प्रसाद ले रहे हो, भगवान के आसन पर भी बैठ सकते हो। महाप्रभु बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो कृष्ण नहीं हूँ, कृष्ण का आसन पर कैसे बैठ सकता हूँ। तो भट्टाचार्य बोले देखो, अगर आप प्रसाद खा सकते हो तो आसन भी ले सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? मदन मोहन प्रभु, नरेश्वर प्रभु, समझ में आ रहा है? यस, अभय आनंद प्रभु, समझ में आया क्या बोल रहे? कि अगर आप भगवान के रेमिनेंट्स खा सकते हो तो आसन पर भी बैठ सकते हो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ये सुनने पे बोले, लेकिन इतना सारा प्रसाद है, मैं कैसे खा सकता हूँ? ये मेरा मैं नहीं खा सकता इतना। तो सर्वम भट्टाचार्य इनको कन्विंस किया ज्यादा पूरा खाने के लिए। कैसे? क्या कारण बताया सर्वम भट्टाचार्य ने? यस, अभय आनंद प्रभु, आप तो जग के पालन करता हो तो आप तो खा सकते हो पूरी जगन्नाथ। यस, वेरी गुड। हाँ, और क्या? और भी आंसर है, ये भी करेक्ट है, और भी एक आंसर है, कोई बताएगा? जगन्नाथ तीन तीन बार अनेक बार खाते हैं। जगन्नाथ पुरी में 56 भोग खाते हैं। जगन्नाथ पुरी में यहाँ लिखा है 52 बार प्रसाद खाते हैं, पता नहीं कैसे बकेट्स। जगन्नाथ पुरी में ना ऐसा, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि आप देखोगे जैसे अभय आनंद घर में प्रसाद बनता है बहुत सारा, भगवान के लिए एक छोटा माइक्रो प्लेट होता है, माइक्रो नहीं लेकिन अच्छा प्लेट होता है। लेकिन जगन्नाथपुरी में कितना भोग लगाते हैं शिव नारायण प्रभु? जगन्नाथपुरी में जितना बना है वो सबका सब भोग लगता है, आपको मालूम है कि नहीं? वहां महाप्रसाद मतलब सब आइटम महाप्रसाद। फिर वृंदावन में भगवान किसके घर खाते हैं? कितने लोगों के घर में? नंद, अभिनंद, सुनंद, नंदन, सबके घर में खाते हैं, और सारे गोपियों के घर में खाते हैं। और गोवर्धन पूजा में कितना खाया था आपने? गोवर्धन पूजा में भगवान ने सारा पर्वत खा लिया, और पर्वत खाने के बाद भगवान बोले, क्या बोले? अनियोर, 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 अनियोर। यस, देखो कोई कोई चीजें ना बहुत सबको एकदम आंसर करने में बहुत मजा आता है, इसलिए हर लेक्चर के एंड में प्रसाद लीला होना चाहिए, तो फिर एक्साइटिंग होता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में इतने प्रसाद के आइटम लिखे हैं कि हमारे डिवोटीज को एक किताब छापनी चाहिए प्रसाद के बारे में। अब इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु प्रसाद खाने लगे, और जैसे ही भट्टाचार्य को रोटी लाने के लिए गए, तुरंत अंदर आ गए। कौन आ गए अंदर निंदा करने के लिए? अमोघ, अमोघ, ए अन्न तृप्त है 10-12 जन, एकल सन्यासी करे भोजन। क्या मतलब हुआ इसका अभयानंद प्रभु? एक सन्यासी 10 लोगों का भोजन कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो? हाँ, ये 10-12 लोगों के प्रसाद में अकेले कैसे खा रहे हैं? और सर्वम भट्टाचार्य पट 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 लकड़ी लेके मारने दौड़े, अमोघ भागे सर्वम भट्टाचार्य, अमोघ भागे सर्वम भट्टाचार्य, अमोघ भागे। लेकिन सर्वम भट्टाचार्य थोड़ा बूढ़े थे, इसीलिए वो वापस आ गए और अपने दामाद को गाली देने लगे, मेरी बिटिया विधवा हो जाए ज्यादा अच्छा है, ऐसा निंदक है। और उसकी सर्वम भट्टाचार्य की पत्नी शाठीर माता छाती पीटने लगी, आज भगवान को अपने घर में बुलाया और अपराध कर लिया। और चैतन्य महाप्रभु बोले, आप बुरा कोई बात नहीं, नहीं नहीं प्रभु, हमने आपको अपने घर में बुलाया प्रसाद के लिए, इतनी निंदा हो गई, हमारे अपराध को माफ कर दो। महाप्रभु बोले कि देखो, एक्चुअली अमोघ का अपराध नहीं है, वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, ज्यादा खाने से डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, हाँ वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, मेरे इंद्रियों को वश में करने के। फिर सर्वम भट्टाचार्य भगवान के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। भगवान बोले, कोई बात नहीं, अभी आप घर में जाओ। सर्वम भट्टाचार्य अपनी पत्नी को सोचने लगे, क्या करना चाहिए, जो अपराधी है उसको मार डालना चाहिए, ऐसा करने से प्रायश्चित हो जाएगा, शास्त्रों में लिखा है अगर निंदा हो रही है तो या तो निंदा करने वाले को रोकना चाहिए, या फिर उसको मार डालना चाहिए, या फिर वो जगह को छोड़ के निकल जाना चाहिए। अभी उसको मार डालना जो है हम इस्कॉन में रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये बड़ा केस हो जाएगा, लेकिन क्या करना चाहिए, कम से कम उठ के निकल जाना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, या तो मैं अपने आप आत्महत्या कर लेता हूँ,
आज से मैं घोषित करता हूं कि मेरी बेटी का पति जो है वो अमोघ नहीं है, वो मेरा दामाद नहीं है, और अपनी मेरी बेटी को बोलो कि वो रिश्ता त्याग दे। जब पति पतित हो गया है, जब पति पतित हो गया है तो पत्नी के लिए आवश्यक नहीं है उसकी सेवा करना। जब भट्टाचार्य ने अचानक समाचार मिला, अमोघ अमोघ को बीमारी हो गई, भयानक, क्या बीमारी हो गई? कॉलेरा। कॉलेरा, यस। कॉलेरा को हिंदी में क्या बोलते हैं श्रीमन नारायण? को हैजा। हैजा, हैजा। पहले जमाने में हैजा के लिए कोई दवाई नहीं थी, जैसे आजकल कोरोना वायरस का ना कोई वैक्सीन नहीं था कॉलेरा के लिए, आजकल तो वैक्सीन आ गया है। देखिए अल्टीमेटली ना ये वैक्सीन का चलता रहेगा चक्कर, अभी इसका वैक्सीन आ जाएगा, आज कोरोना आ गया, फिर दो चार साल बाद नोरोना आएगा, फिर तोरोना आएगा, उसके पहले भी इतनी मृत्यु आ ही जाएगी, इसलिए हमें कोरोना का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जन्म मृत्यु का सोल्यूशन जन्म मृत्यु को दूर करने वाला वैक्सीन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और ये वैक्सीन जो है इसके 16 डोज भी ले लेने चाहिए, और अगर बीमारी बढ़ती बीमारी कम नहीं हुई तो डोज बढ़ा देना चाहिए, और ठीक होने के बाद भी लेते रहना चाहिए। ओके, अभी हम लास्ट पार्ट पे पहुंच रहे हैं आज के प्रवचन के। तो आपका सिग्नल थोड़ा वीक हो गया है प्रभु। हाँ, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता प्रभु जी, मेरे हाथ में। नो प्रॉब्लम प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। सॉरी, कल से इधर नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, कोई नहीं, नहीं, एक्चुअली जो जहाँ रोज लेता हूँ वो एकेडमिक बिल्डिंग है, ये हॉस्टल है, मेरा सीधा थोड़ा इधर खुला है तो इधर थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन कल से हम वापस वहीं पड़ जाएंगे। नहीं, फिर भी सुनाई तो पड़ रहा थोड़ा बहुत। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। तो भट्टाचार्य ने सुना, अभी अभी प्रॉब्लम हुआ। एक्चुअली इस पे भी डिपेंड करता है, जब सुनने वाले उत्सुक होते हैं ना तो सिग्नल भी अच्छा हो जाता है। जब सुनने वाले स्विच ऑफ करके रेडियो ऑडियो स्विच ऑफ करके लेट जाते हैं तो फिर अपने भगवान से वो सिग्नल कम कर दे। सर मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तब जब आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, भट्टाचार्य खुश हो गए, मेरा दामाद मर जाए अच्छा है, हाँ, उसका जो अपराध अपराध का फल उसको मिल जाए वो शुद्ध हो जाएगा। उतने में गोपीनाथ आचार्य, सारव भट्टाचार्य के जीजा जी का नाम था गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास गए। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या चल रहा है, सारव भट्टाचार्य घर में सब ठीक है? बोले नहीं प्रभु, क्या हुआ, उनके दामाद अमोघ मृत्यु की शैया पर है, उनको कॉलेरा हो गया। अभी मैं होता सोचता प्रभु जी, हाँ देखा, हाँ मेरी निंदा की ना, बेटे जान लो मैं सीनियर डिवोटी हूँ, हाँ अभी आगे से पंगा मत लेना मेरे साथ, है ना, मेरा रिस्पेक्ट करना, टाइम पे आना, ये सब यू नो हम एक्सपेक्ट करते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना तो दौड़ते हुए गए, अमोघ अमोघ, उसके छाती पे हाथ रखा, बोले अमोघ आपका हृदय तो कृष्ण के लिए निवास स्थान है, और आपने इस हृदय में निंदा को कैसे स्थान दे दिया? चंडाल 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 है ईर्ष्या, यानी प्रभुपाद जी सिखाते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर, जो पाप कर रहे हैं उससे घृणा मत करो, लेकिन जो पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से समझा रहे हैं हमको कि तुम्हारा हृदय तो भगवान के लिए स्थान है और तुमने इस स्थान में ईर्ष्या को रखा है, ये मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा आपके लिए। लेकिन क्योंकि तुम्हारे ससुर जी, अमोघ के ससुर का नाम क्या था? हाँ, अभय आनंद प्रभु, क्या नाम था अमोघ के ससुर का? सार्वम भट्टाचार्य। सार्वम भट्टाचार्य,
तुमने सारमताचार्य के तुम दामाद हो, इसलिए मैं तुम्हारे सारे अपराध को माफ करता हूँ। जब किसी के अपराध दूर होते हैं तब वो सच्चे दिल से गा सकता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप मेरे पीछे गाएंगे ये श्लोक? भगवान का आदेश है, भगवान बोल रहे हैं अमोक को, आप मेरे पीछे बोलिए। उठ अमोग तुम्हें लो कृष्ण नामा, उठ अमोग तुम्हें लो कृष्ण नामा, तुम्हार कृपा करिबे भगवान, उठो चांट हरे कृष्ण मंत्र गान करो। ऐसा आप करोगे तो कृष्ण आपके ऊपर जरूर दया करेंगे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगर हमको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो नाम जप करना होगा, एब्जॉर्ब होना होगा। तो जैसे अमोग ने सुना वो खड़े हो गए, वो मृत्यु की शय से उठ गए और जोर से बोलने लगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उनके आंखों से आंसू आने लगे, शरीर कांपने लगा, रोमांच होने लगा। अमोग भगवान के चरणों में गिर किए, प्रभु प्रभु मेरे अपराध को माफ करो, मैं बहुत पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैंने ये मुख से अपराध किया, आज मैं इसको सजा दूंगा। ऐसे वो लेफ्ट राइट अपने गालों को मारने लगे। चढ़ाईते चढ़ाईते गाल फुलाईल, हाथे धरी गोपीनाथ आचार्य निषेध करील। ऐसे थप्पड़ मारते मारते गाल फूल गया। फिर गोपीनाथ बोले नहीं नहीं इतना इतना मत करो। और जब गोपीनाथ आचार्य ने उनको रोक दिया आत्महत्या करने से, और चैतन्य महाप्रभु अमोक को बुलाए और बोले अमोक सर्वभौम संबंधे तुमी मोर स्नेह पात्र, मैं आप मेरे स्नेह के पात्र हो। स्नेह पात्र का मतलब क्या है? स्नेह पात्र पंकज नेत्र प्रभु स्नेह पात्र एलिजिबल फॉर, उनके प्रति उनका ज्यादा प्रेम है। हाँ यस, क्योंकि सारंग भट्टाचार्य मेरे भक्त है, जो मेरे भक्त का भाई है, बहन है, जीजा है, साला है, काका है, नाना है, बेटा है, शत्रु भी हो जाता है अगर कोई मेरे भक्त का, लेकिन अगर वो अपराध नहीं करता तो भगवान उसको क्षमा कर देता। धर्म भट्टाचार्य के घर में दास दासी कुत्ते बिल्ली ये भी मुझे प्रिय हैं। अपराध नहीं सदा लो कृष्ण नाम, एता बोली प्रभु आइल सार्वभौम स्थान। तो यहाँ बताया गया कि अमोग तुम उठो हरे कृष्ण मंत्र गाओ, तुम्हारे सारे अपराध दूर हो जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब इसके बाद चैतन्य महापुरुष का उद्धार करके किसके घर चले गए? अब गेस करिए किसके घर जाएंगे फिर? सर्वम भट्टाचार्य के घर। भगवान ने सर्व को गले लगाया और फिर हम सर्वम बोलने लगे। महाप्रभु बोले सार्वभौम अमोग जो है बेटे के समान है, बेटा गलती करता है तो पिताजी माफ कर देते हैं, नहीं? श्रीमान नारायण प्रभु कभी कभी केशव गलती करता है आपका बेटा? यस, कभी कभी नहीं बहुत बार भी करता होगा, लेकिन माता पिता अपराध सीरियसली नहीं लेते। अगर माता पिता हर एक अपराध में सजा देने लगे तो फिर तो सजाओं का अंत ही नहीं होगा। तो बोलने लगे कि देखो अमोघ तुम्हारा बेटा है, दामाद मतलब बेटे के समान हो, इसका दोष क्या है? तुम व्रत क्यों रख रहे हो, गुस्से क्यों हो रहे हो? जाओ प्रसाद स्नान करो, प्रसाद लो और फिर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाओ। मैं यहाँ पर रहूंगा और जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करूंगा। ऐसे कहकर भट्टाचार्य चेतन आप के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु आपने क्यों अमोक को जिंदा किया, उसको मरने क्यों नहीं दिया? ज्यादा अच्छा होता ऐसा अपराधी मर जाए। चेतन महाप्रभु बोले नहीं अमोक और बालक होने के साथ साथ आपका दामाद भी है, तो अब वो वैष्णव हो गया, अब उसके अपराध को क्षमा कर दिया मैंने, आप भी उसके ऊपर दया करो जिससे वो प्रेम से गा सके
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये कल ही अभी 6 श्लोक बचे हैं, आज शायद जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा। तो ये 15वां अध्याय एंड कर रहे हैं, कल से 16वां शुरू करेंगे। और शाम के प्रोग्राम में आज कल मैंने 17वां किया था, तो शाम में 17, 18, 19 हो जाएगा। और 20 के बाद वाला ऑलरेडी हमने किया है, तो पर कल हम 17वां अध्याय करने के बाद फिर सॉरी 16वां अध्याय करने के बाद लिखा अभी नहीं, तो 16वां अध्याय पूरा होने के बाद फिर हम 17वां, 18वां, 19वां शाम को कर रहे हैं। 20 से 25 हो चुका था, फिर परसों से हम अंत्य लीला शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे शायद 8-10 दिन और हूँ वृंदावन में। वैसे मेरी इच्छा ज्यादा रुकने की, लेकिन साथ साथ कुछ सेवा आ गई है, मुझे पुनः बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भक्तों से, ये 2 दिन जो है ये दोनों समय क्लास अटेंड करें तो कंटिन्यूटी रहेगा। और अगर आप एक ही बार अटेंड करते हैं तो अपने आप से पढ़ लें जो मैं अध्याय बता रहा हूँ। तो ये अध्याय के अंत में सर्वमट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बोले, प्रभु आप जगन्नाथ के पास जाओ, जगन्नाथ को धन्यवाद, जगन्नाथ ने रक्षा कर ली। और चैतन्य महाप्रभु बोले कि सर्वमट्टाचार्य प्रसाद ले रहे हैं कि नहीं, ये देख के मुझे बताओ। सर्वमट्टाचार्य ने प्रसाद लिया। और अब आशीर्वाद सुनिए, क्या हुआ आप मेरे पीछे बोलिए। ये कथा के बाद एक बहुत विशेष फल हुआ। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने गए, सर्वमट्टाचार्य प्रसाद खा रहे थे, स्नान करने के बाद प्रसाद ले रहे थे। अब प्रसाद लेने के बाद अमोघ को देखने गए। अमोघ का क्या हुआ, से अमोघ हैला प्रभुर भक्त एकांत, से अमोघ हैला प्रभु भक्त एकांत, प्रेमे नाचे कृष्ण नाम लय महाशांत, प्रेमे नाचे कृष्ण नाम लय महाशांत। अमोघ भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, वो प्रेम से नाचने लगे और गाने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे चित्र लीला करे शचिर नंदन, बोलिए ऐसे चित्र लीला करे शचिर नंदन, ये देखे सुने तार विस्मय हय मन, ये देखे सुने तार विस्मय हय मन। ये चित्रलीला, चित्रलीला का मतलब क्या है, चित्रलीला, चित्रलीला का मतलब क्या है, ऐ चित्रलीला करे, चित्र मतलब वैरायटी, विचित्र, बहुत सारे चित्र विचित्र, चित्र विचित्र सुंदर लीला करे शचि, जे देखे, जो लीला को देखे लिखे कि सुने लिखे, क्या लिखे, जे देखे सुने, जो सुनता है और देखता है उसको वही फल मिलता है। भगवान की लीलाओं को आंखों से देखना या कानों से सुनना से वही फल मिलता है। और तारा विस्मय है मन, जो भी लीलाओं को सुनता है वह आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसे भट्ट ग्रह करे भोजन विलास, बोलिए ऐसे भट्ट ग्रह करे भोजन विलास, तारम दे नाना चित्र चरित्र प्रकाश, तारम दे नाना चित्र चरित्र प्रकाश। चैतन्य महाप्रभु सर्वमट्टाचार्य के घर प्रसाद ले रहे हैं, और ये एक लीला में बहुत सारी लीला है। इसे क्या सीखने को मिलता है, पहली बात तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और दूसरी बात है कि अगर कोई अपराध भी कर बैठता तो माफी मांगनी चाहिए, और अगर डायरेक्टली भगवान से नहीं माफी मांग सकते तो भक्त से माफी मांगना ज्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंत में बताया गया, सर्वम ग्रह भोजन चरित्र सर्वम प्रेम जाह हैला विदिश, Bhattacharya's house and in this way Sarvam Bhattacharya's love for the Lord has become very well known. इसका मतलब क्या है कि ये भगवान की लीलाएं हैं, कैसे सर्व के घर प्रसाद लिया और जो भी ये सुनता है उनको कृष्ण प्रेम मिलता है। शाटीर मातार प्रेम आर प्रभुर प्रसाद, भक्त संबंधे जहा शमील अपराध। क्या क्या सीखने को मिलता है, शाटीर मातार प्रेम, कि सर्वमट्टाचार्य की पत्नी है
वो कैसे भगवान के लिए प्रसाद बनाती है, कैसे प्रेम से सेवा करने चाहती। और मैंने आंखों से और एक चीज का वर्णन किया है, चैतन्य महाप्रभु कैसे कृपा करते हैं। किस पर कृपा किया इस लीला में, किस पर कृपा कर रहे हैं? अमोक के ऊपर। और भक्तों के साथ भगवान की लीला प्रकट होती है, भक्त और भगवान की लीला प्रकट होती है। और लास्ट तात्पर्य, अमोघ वॉज एन ऑफेंडर बिकॉज ही ब्लास्फेम्ड द लॉर्ड, एज अ रिजल्ट ही वाज अबाउट टू डाई ड्यू टू कॉलेरा। Amogha did not receive an opportunity to be freed from all offenses after being attacked by the disease. But Sarvamatacharya and his wife were very dear to the Lord. Because of the relationship, Chaitanya Mahaprabhu excused Amogha. Yahan bataya gaya Amogha ko kyon maaf kiya Bhagwan ne? Koi batayega abhi Anand ko? Kyon maaf kiya Bhagwan ne? Kyunki wo Sarvamatacharya aur priya दोनों प्रिय अत्यंत प्रिय थे, क्योंकि सवम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी जो है आप चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे और वो उनके दामाद थे। यस, ये बहुत अच्छा पॉइंट। अगर भक्त के हम डायरेक्ट भगवान कांटेक्ट में नहीं हो, किसी भक्त के कांटेक्ट में हो तो भी हमको कृपा मिल जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ और भी इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ बीइंग पनिश्ड बाय द लॉर्ड ही वाज सेव्ड बाय द लॉर्ड्स मर्सी। कहां उसको सजा मिलनी थी, उल्टा फायदा हो गया। जैसे किसी ने चोरी की और चोरी में जेल में ले जा रहे थे, अचानक कोई कमिश्नर मिल गया तो जेल से मुक्त किया और उसको एक 2 BHK फ्लैट दान दे दिए। ऐसे भगवान कितने दयालु हैं, अपराधी को भी कृष्ण ने प्रेम दे दिया। एक्सटर्नली अमोघ वाज सर्वम भट्टाचार्य सन इन लॉ एंड ही वाज बीइंग मेंटेन्ड बाय सर्वम भट्टाचार्य। कॉन्सिक्वेंटली अमोघ वर नॉट एक्सक्यूज, हिज पनिशमेंट वुड हैव डायरेक्टली अफेक्टेड सार्वभौम। अमोघस डेथ वुड हैव इनडायरेक्टली ब्रॉट अबाउट द डेथ ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य। समझ में आया आपको ये मतलब कि अमोघ जो है दिखने में देख रहे हैं कि सर्वम भट्टाचार्य के दामाद हैं और सर्वम उनको माफ कर रहे हैं। अगर अमोघ का अपराध क्षमा नहीं होता तो उससे सर्वम भट्टाचार्य के ऊपर रिएक्शन है। ओके, लास्ट वर्स मेरे पीछे बोलिए। श्रद्धा करी ए लीला सुने जय जना, श्रद्धा करी ए लीला सुने जय जना। मनोज प्रभु क्या बोला गया इसका मीनिंग? श्रद्धा करी ए लीला जे करे जे लीला सुने जे जना, मतलब श्रद्धा से जो लीला को श्रवण करता है। यस, उसको अचिरा पाए श्री से चैतन्य चरण, चैतन्य चरण। श्रद्धा करी ए लीला श्रवण करे, जो श्रद्धा से लीलाओं को सुनता है। अचीर, अचीर मतलब अति शीघ्र, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी उसको भगवान की कृपा मिल जाती। श्री रूप रघुनाथ पद जार आश, रघुनाथ पद जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। इसका मतलब मैं रूप और रघुनाथ के चरणों में प्रणाम करके इसका गुणगान कर रहा हूँ। आध्यात्मिक साहित्य लिखने का यही योग्यता होती है कि नम्र होना और आचार्यों की कृपा के लिए प्रार्थना करना। तो सब लोग 2 मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करें कि भगवान हमें भी राधा रानी की कृपा की एक बूंद मिल जाए, हम भी नम्र सेवक बन जाए, हम भी चैतन्य महाप्रभु के उपासक बन जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे 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 मध्य लीला का 15वां अध्याय अंत हुआ। अभय प्रभु इको हो रहा है शायद में। ओके प्रभु, मैं देखता हूँ। 15वां अध्याय था सर्वमठ्य प्रसाद, और 16वां अध्याय क्या होगा? महाप्रभु की वृंदावन यात्रा की शुरुआत। एक्चुअली महाप्रभु वृंदावन जाते हैं वो कल शाम को हमने पढ़ लिया था, और आज क्या पढ़ेंगे? आज वो जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो जाते नहीं हैं, क्योंकि 2 बार वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं। एक बार तो जैसे अभी यहाँ पर अगर पुरी है तो पुरी से उनके जाना वृंदावन इधर है, तो जा रहे हैं इधर उल्टे साइड, पहले मायापुर होके फिर वृंदावन जा रहे। तो ये कथा हम शुरू करेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु
वृंदावन जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कल सुबह से करें। और शाम के लेक्चर में तो ऑलरेडी हम महाप्रभु काशी से प्रयाग आए, प्रयाग से वृंदावन पहुंच गए, मथुरा की परिक्रमा हो गई, ये हमने डिस्कस किया था कल शाम को, क्योंकि चंडीगढ़ के भक्त भी हैं साथ में, शाम के प्रोग्राम में उनकी इच्छा थी। फिर आज शाम से फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे कि वृंदावन में जब महाप्रभु थे कौन कौन से स्थान गए, कौन कौन से मंदिर गए। तो किसी को कोई प्रश्न है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये यही स्टाइल ज्यादा ठीक है। पंकज मित्र प्रभु, श्रीधर प्रभु या कोई डिवोटी ये रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं।